गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे मॉर्निंग है और स्कूल की और ऑफिस की छुट्टी थी, तो इसलिए हम आज लेट उठे हैं फ्रेंड्स। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बना पाए और आने वाले टाइम में भी शायद वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के बाद ही वीडियो बनेंगी। तो घर की वीडियो आज हमने शेयर करी है आपके साथ। ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा और बच्चों के स्कूल के शूज खराब हो रहे हैं, तो देखो आज कहीं शाम में इन्हें लेकर जाऊंगा, स्कूल के शूज दिलवा कर लाऊंगा। तो आइए नाश्ता करते हैं फ्रेंड्स। बेटा आप क्या लोगे? मैं तो ठीक है। और आप क्या खाओगे बेटा? कोरमा रोटी। तो हमारे नन्नू साहब है गार्लिक ब्रेड खाएंगे और आयल साहब जो है ये कोरमा रोटी खाएंगे। और ये इनका गुड्डू है, ये गुड्डू को हर जगह लेके जाते हैं फ्रेंड्स। गुड्डू इनका परमानेंट मार्का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नाश्ता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय किड्स व्लॉग। तो गाइस चलते हैं बच्चों को आज शूज दिलवाने, देखते हैं वहां पे मजे करेंगे, फन करेंगे, इन्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और एंटरटेनमेंट करेंगे। लेट्स गो, रोक दो। तो गाइज मैं कृष्णानगर आ चुका हूँ, तो आइए शॉप पर चलते हैं, शूज लेते हैं। तो गाइज बच्चे शूज पहन के देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, स्कूल के लिए शूज दिलवाने लाया था इन्हें। तो गाइज काफी टाइम से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि पापा शूज दिलवा लाओ, आज फाइनली मुझे टाइम मिला है। गाइज आप लोग भी बच्चों की छोटी छोटी चीजें पूरी करा करें, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। गाइज बच्चे पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि पापा की संडे की कब छुट्टी होगी, कब पापा हमारे साथ रहेंगे। गाइज मैं पीछे बहुत ज्यादा बिजी था पिछले टाइम। हेलो, आप मम्मी को दिखा दो। तो फाइनली गाइज दोनों बच्चों को शूज दिलवा दिए हैं। मैं कृष्णानगर आता हूँ तो अक्सर करके इनके जीत गैलरी ऑफ शूज से ही शूज दिलवाता हूँ बच्चों को। स्लीपर्स वगैरह यहाँ रिजनेबल रेट पे प्राइस पर मिल जाते हैं यहाँ शूज वगैरह। और गाइज देखिए कृष्णानगर के अंदर कितना क्राउड है, कचाकच भरा हुआ था। संडे का दिन था गाइज, अच्छी खासा रश था। अगर कृष्णानगर आऊं तो मैं इन्हें बच्चों को रूपा पार्लर पे टिक्की भल्ले पापड़ी जरूर खिलाता हूं। गाइज यहां की टिक्की भल्ले पापड़ी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, अच्छा लगते हैं, मजा आता है। गाइज हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, यहां थोड़ा टाइम लगता है बनने में, प्रिपेयर होने में, तो हमने फिलहाल अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और अब देखिए हमें थोड़ी बहुत देर में हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमें एक ऑर्डर मिल चुका है, तो जब तक बच्चों को ये देता हूँ मैं, जब तक ये नन्नू और अहिरी से खाएंगे मैं फिर दूसरा लेने जाता हूँ। एक ऑर्डर हमारे हाथ में आ चुका है। तो फाइनली बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है गाइस, दोनों ने खाना और दोनों बच्चे अपनी मील को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए इनकी दही पूड़ी इतनी बड़ी है कि आयल को पूरे मुंह में, पूरे जब खाई आयल ने तो पूरे मुंह में नहीं आ पाई, उसका सारा दही वगैरह सब चटनी देखिए कैसे बाहर निकल रही है। और आयल कितने एंजॉय करके खा रहा है, मजे से खा रहा है डांस कर करके। तो दही बल्ले पापड़ी फिनिश करने के बाद बच्चों को रूपा पार्लर आइसक्रीम दिलवाने लाया हूँ। एक बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे ऐसा लगा शायद वो भी आइसक्रीम के लिए देख रहा था, तो मैंने अपनी आइसक्रीम उसे उठा के दे दी। गाइज आप लोग भी कहीं जाया करें तो ऐसे बच्चों का, लोगों का ख्याल रखा करें, कुछ नहीं जाता गाइज, छोटी मोटी चीजें अगर हम इन्हें दिलाते हैं खुशियां मिलती हैं ऐसे छोटे मोटी चीजों से। तो गाइज बच्चों ने अपनी आइसक्रीम को खूब इंजॉय करा, सॉफ्टी को। और ये देखिए रूपा आइसक्रीम पार्लर है, और ये देखिए दोनों बच्चे खूब मजे से आइसक्रीम को इंजॉय कर रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं। तो आहिल के पास नहीं थी तो मैंने अपनी दोनों आइसक्रीम आहिल को दे दी। देखो आहिल कितना खुश है माशाल्लाह, आहिल भी खुश है, नन्नू भी खुश है और बच्चों की तो मौज हो जाती है। गाइस बच्चों को क्या चाहिए, घूमना फिरना खाना शॉपिंग, उनका तो एंजॉय है। ये देखिए आइसक्रीम को एंटरटेनमेंट के साथ डांस कर करके खा रहा है माशाल्लाह। मेरा ये छोटा वाला बेटा बहुत ही अलग ही मजेदार बच्चा है, ये बड़ा मजा दिलाता है, कहीं भी जाओ ना इसे लेके फुल एंजॉय कराता है माशाल्लाह। बड़ा भी बहुत मेरा सीधा है, मगर छोटा और बड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन एक अलग ही है। गाइस आप भी अपने बच्चों के साथ ये छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करने आया करें, शॉपिंग वगैरह कराया करें बच्चों को, जिससे बच्चे भी खुश रहें और फैमिली के अंदर भी एक प्यार और माहौल, एक खूबसूरत माहौल क्रिएट हो। तो गाइज वापसी जाते में शेख साहब के यहाँ से बच्चों ने दोनों ने शेक पिया और शेक पी के दोनों फुल मस्त हो गए, इंजॉय कर रहे हैं। देखिए एक दूसरे को अपना शेक भी ट्राई कराएंगे। गाइज आपने एक बात नोट करी होगी, दोनों बच्चों के कपड़े चेंज हो गए। तो गाइज वापसी में जब हम आ रहे थे तो एक शॉप पर सेल लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ कपड़े ट्राई करवाए, इन बच्चों ने फिर वो कपड़े उतारे ही नहीं। फिर मैंने कोई बात नहीं पहने रहो भाई, अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने फिर वो कपड़े उतारे नहीं। मैंने चलो कोई नहीं, हम इन्हीं कपड़ों में घर चलेंगे। और देखिए दोनों बच्चे माशाल्लाह खूब मजे से शेक पी रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं।
और ये बलून वाला पास में खड़ा था, कह रहे थे पापा बलून ले लो, तो मैंने कहा यार गाड़ी पे कैसे जाएंगे इतने सारे, बलून लेओगे तो फिर बलून फूट फाट जाएंगे, ये देखो कैसे स्पाइडरमैन की तरह शेप को ऊपर ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये भाई साहब अपने स्वैग में रहते हैं। तो देखिए गाइस दोनों भाई एक दूसरे को अपना शेक खिला रहे हैं और देखिए इन दोनों में कितना प्यार है, जितना प्यार है उतनी ही लड़ाइयाँ करते हैं घर पर आके, ऐसा नहीं है गाइस, लड़ते भी उतना ही है प्यार भी उतना ही करते हैं एक दूसरे से। ये गाइस आप लोगों का तह दिल से शुक्रिया, अगर आपको हमारा ये शॉपिंग ब्लॉग खाने पीने का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।